अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रोमैक सॉल्यूशंस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद अदर्स एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, एंड आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट, प्लीज़ वॉच द कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप द वीडियो। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज का हमारा टॉपिक है आयरन के मुतलक ऑल पॉसिबल फॉल्ट। इससे पहले भी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें इस मीटर का इस्तेमाल है। आज इस मीटर के अलावा भी मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी इस्त्री ठीक है या नहीं ठीक है, या इसका कहाँ फॉल्ट है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमने मीटर लगाया, हमारे पास 243 वोल्ट यहाँ आ रहे हैं। पूरे तरीके से हम देखना चाह रहे हैं कि बग़ैर मीटर के हम इसको कैसे चेक कर लें या कैसे ठीक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं, या होल्डर भी कहते हैं। ये आपके पास हो, इसमें बल्ब लगाएं जो आपका ठीक हो। अगर तो ये आपका ऑन हो गया तो इसका मतलब यहाँ आपका आपके पास करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहे हैं। हमारी इसरी अगर नहीं ऑन हो रही तो सबसे पहला इशू आता है तार, जो वायर लगी हुई है वो ठीक है कि नहीं। अब इसरी की अगर वायर चेक करनी है, जैसे ये एक इसरी की वायर है, हम इसको ऐसे रख लेते हैं, ये वायर ठीक है, ये देखें ये वायर ठीक है। इस तरह आपकी वायर टेस्ट हो जाएगी। अगर वायर कहीं से ब्रेक होगी तो आपका ये बल्ब ऑन नहीं होगा। थैंक्स। जैसे ये वायर है, ये वायर जहाँ लगी होती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद कनेक्ट होके हीट अप होके जल जाती है, यहाँ करंट फ्लो नहीं होता, तो इसकी रस्ट को साफ़ कर लें। इसकी रस्ट को, वायर की रस्ट को आपने साफ़ करना है। और यहाँ ये जिस जगह भी कनेक्ट हो रही है उस जगह देखें, जैसे इसमें देखें कुछ ऐसी जगहों पर रस्ट लगा हुआ है, तो इसको आपने रिमूव करना है ताकि करंट फ्लो हो सके। और दूसरा ये मेकनिज़म मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ से आप न्यूट्रल देते हैं या फेज़ देते हैं, या तो न्यूट्रल इधर से जाएगा, अगर न्यूट्रल यहाँ देते हैं फेज़ यहाँ देते हैं, तो फेज़ इसके थ्रू ये मेकनिज़म जो है इसके अंदर, ये देखें ये इंसुलेशन है, ये तब तक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होती जब यहाँ से आप इसको आप घुमाते हैं तो ये आप प्रेस करती है नीचे वाली, ये दो स्ट्रिप्स आपस में कनेक्ट होती हैं। और जब आप इसको कम करते हैं तो इसका डिस्टेंस, इसको कम ज़्यादा करने से इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा होता है, तो जब आप मैक्सिमम पे करते हैं तो इसका डिस्टेंस बेसिकली कम होता है, तो ये जल्द ही कनेक्ट हो जाती है, जल्द जो है डिसकनेक्ट होती है। जब हीट अप होती है तो ये ऐसे मेटालिक स्ट्रिप्स हैं जो हीट अप होने से ये एक्सटेंड होती हैं, जब एक्सटेंड होती हैं तो ये डिसकनेक्ट हो जाती हैं, और जब ये थोड़ी सी कोल्ड होती हैं, ठंडी होती हैं, तो ये दोबारा कोलैप्स होती हैं और आपस में कनेक्शन बन जाता है। तो इसलिए आपकी बार बार ऑन और ऑफ होती है, इसको जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, तो इसके अंदर वो सिस्टम है। इस सम ऐसे केसेस होते हैं इसरी में जिसमें एक स्क्रू लगा होता है जिसका आप इनके अंदर जो डिस्टेंस है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये इसी तरह है। तो आपका फेज़ यहाँ से जाके इसके थ्रू जब आप ऑन करते हैं मैकेनिज़म, तो इस स्ट्रिप के थ्रू आपके इस एलिमेंट को जाता है। तो जब हम चेक करते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर देते हैं, ये बाईपास कर देते हैं, तो हमारा एलिमेंट चेक हो जाता है। अब जब हमारा एलिमेंट चेक हो गया तो आपने अगर चेक करना है कि ये सिस्टम ठीक है कि नहीं, तो फिर आप यहाँ कनेक्ट कर लें, तो इसको ये भी जो इंसुलेटर है तो आप इसको हाथ से घुमा के भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका ऑन होता है तो ठीक है, इसमें ज़्यादा फॉल्ट नहीं आता, ये ठीक ही होता है। अब दूसरा मरहला, जिस स्पीड कम ज़्यादा ऑन ऑफ भी होती है इसरी, वो भी आता है, अब उसको हम बाईपास करेंगे। बाईपास करके देखेंगे कि क्या हमारा हीटर एलिमेंट ठीक है कि नहीं ठीक है। अभी ये मैं बताऊं कि हमारे पास दो इसरियाँ पड़ी हैं, ये ठीक है ये ख़राब है बेसिकली, तो ये आपको बताने के लिए मैं लाया हूँ। ये राड जो होता है ये बेसिकली इसको कंटिन्यूटी देनी चाहिए, इसके अंदर एक स्प्रिंग ही होता है, जस्ट स्प्रिंग होता है जो हीट अप होता है,
हीटर, जैसे हीटर स्प्रिंग वाला हीटर होता है ये उसी तरह होता है जैसे इसको हीटअप करते हैं। तो ये बेसिकली अंदर स्प्रिंग होता है और इंसुलेटेड होता है बाहर वाली बॉडी के साथ, ये नहीं देता, तो ये बेसिकली ठीक नहीं है। अभी मैं आपको एक और दिखाता हूँ, इसके अंदर ये बिल्ट इन होता है, ये हम चेंज नहीं कर सकते। इस तरह की कोई इस्त्री अगर इसका ये ख़राब हो जाए एलिमेंट, हीटर एलिमेंट, तो वो ठीक नहीं हो सकता। तो इसकी बजाय एक और एलिमेंट आता है, एक और इस्त्री आती है, उसका एलिमेंट कुछ इस तरह का होता है, ये आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट होता है। अब इसको मैं आपको चेक करके बताता हूँ, इसके अंदर भी एक स्प्रिंग होता है। अगर आपको मीटर पे रीडिंग चेक करें, ये 89, 88 ओम दे रहा है, ये देखें, इसका मतलब है ये कि स्प्रिंग जो है वो अपना फंक्शन कर रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसके अंदर, ये देखें, इस तरह करके एक स्प्रिंग वायर होती है, इसी तरह ये हीट अप होता है और ये इस्त्री करता है। तो ये इस तरह का जिसमें लगा वो रिप्लेस हो जाएगा, ये इतना कॉस्टली भी नहीं होता, ये ठीक है। इसकी रेजिस्टेंस 88, 89 आ रही है। तो फ्रेंड्स, एक दफ़ा हम इसको समराइज़ करते हैं कि आपने अपनी इस्त्री के जो पॉसिबल फॉल्ट हैं उसको कैसे चेक करना है विदाउट मीटर। सबसे पहले तो आपके पास वायर का मसला है कि वायर को आप चेक करना है, आपने वायर रिमूव की, वायर को आप कनेक्ट करें 220 में, आपके पास एक बल्ब होना चाहिए इस तरह का, आप उसके साथ इसको लगाएं, जैसे बल्ब ऑन हुआ, अगर तो आपका बल्ब ऑन हो गया तो आपकी ये वायर ठीक है, नहीं ऑन हुआ तो समझिए आपकी वायर ठीक नहीं है। दूसरा, ये तो वायर इस तरह हो गई करेक्ट, अब वायर आप इस तरह की ले लें, अब आप अपना इस्त्री का एलिमेंट चेक करने के लिए इसको यहाँ कनेक्ट करें 10 से 15 सेकंड तक, क्योंकि ये डायरेक्ट है, ये याद रखें, ये डायरेक्ट आप एलिमेंट पे लगाते हैं थ्रू, ये मैकेनिज्म नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट हीट अप होगा, तो इसको 10-15 सेकंड में आपको पता चल जाएगा इस हीट चेक कर रहे हैं कि ये आपका ठीक है नहीं। तो ये क्योंकि वैसे मुझे पता है कि ये ख़राब है, अब ये आपका है ठीक वाला एलिमेंट, तो इसको आप जब इधर कनेक्ट करेंगे, यहाँ इसको कनेक्ट करना है, ये आप देखें इंडिकेटर ऑन हो गया, लेकिन आपने इंडिकेटर के ऊपर नहीं जाना, इंडिकेटर क्योंकि ये डायरेक्ट 220 पे हो, इसको हमने कनेक्ट किया था तो ये तो ऑन होना ही है। आपने इसको 10 से 15 सेकंड लगा के आपने इस्त्री को चेक करना है कि ये हीट अप हुई कि नहीं, हीट अप हो चुकी है, तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका कहाँ फॉल्ट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को दूसरों से शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।